हेलो। हाँ आप बोल रहे हैं कि लीजिए, पवन जी है यहीं पर, उनसे बात कर लीजिए थोड़ा, ठीक ना? फोन नहीं उठाते हैं, इसका मतलब तुम रे ले जा रहे हो। अरे यार मगचोद बड़का, बढ़िया बनी ते, ठीक बड़ी रही पगला, एकदम छोले रहो। आप लोग का आशीर्वाद है, हम लोग एकदम टनाटन है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं, बस राज कर रहे हैं आप लोग के सामने में। अच्छा ये बताइए, पावर स्टार पवन सिंह के आप हूबहू आवाज़ निकालते हैं, पहले से सीखे हैं आप या कहीं सिखाया गया है या फिर इसका कोर्स किए हैं, क्या है इसका सच्चाई? मैं जो भी कुरस किया हूँ या सीखा हूँ, अपना भैया से सीखल बनी, छोटी एगो पर से छोटी चुकी रही तबे से हम गावत नहीं, और भैया के हम भगवान मानी ला, भैया के आशीर्वाद से गाई ला। आज पवनवा का गावता का नहीं गावत रजनी सवा, दुनिया के पता बा। दुनिया का पता है, लेकिन आप कहीं ना कहीं जब किसी नए लड़की हो या फिर नए लड़के हो या नए कलाकार हो, उनके पास जब आप फोन करते हैं तो उसको पता ही नहीं चलता है कि रियल वाले पवन सिंह हैं या फेक वाले पवन सिंह हैं या फिर कौन है। ये सच्चाई है, मैं किसी को फोन कर दूं या कर दे ही ला, लोगन के मुंह से ये निकलेगा कि नमस्ते सर, मुझे काम कम मिलेगा सर, मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, मुझे काम करना है आपके साथ, सपना है, प्लीज सर आप जो बोले सो मैं तैयार हूँ सर, प्लीज मुझे काम चाहिए आपके साथ। आप अभी तक नहीं कितने भोजपुरी में कितने हीरोइन कितने हीरो किसे आप बात किए जो आपके आवाज़ को पहचान नहीं पाए? ऐसा कोई बचा नहीं है जिससे मैं बात ना करूं, सबका फ्रेंक वीडियो हमारे पास, शायद न्यूज वालों के पास, आप जैसे भाइयों के पास पड़ा होगा, लेकिन दिक्कत यह है ना कि ये को चल जाता ना तो लोग कहते ना भैया मत डलिया, डाल दे बनू तो भैया को यहाँ कह रे यार हाई हमारे साथ बैठ के हमारे आवाजिया नहीं कह पहचान रे बुकावा। एक आपका वीडियो वायरल हो रहा था, अक्षरा जी के पास आप कॉल करती हैं और जैसे जो है आप बोलते हैं कि नहीं खूब पहचाना, तो फिर आगे का क्या बात हुआ, क्या बाखिया हुआ, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। भैया वो भी कलाकार है जिसका मैं फैन हूँ, बट अब ऊ उठाओ ली कि केहू दूसर उठाओ लस, 2 दिन 3 दिन से लगातार ट्राई कैनी, उठल फोन उठला के बाद हम बोलत नहीं हेलो का जी, फोनवे कट, फिर नंबर पे फोन करा था नहीं, लगा था नेटवर्क की इशू, फिर से लगाओ भाई, लगा था तो बताओ था कि जिस नंबर पे आप कॉल करना चाहते हैं वो अभी नंबर व्यस्त है, तो कहा था कि अरे भैया वो ब्लॉक हो गया हो, मगर कि हमारे गुरु का आशीर्वाद है कि मैं जिसको फ़ोन कर दूं चाहे भोजपुरी का कितना बड़ा ही स्टार हो, मुँह से कई बात निकली, फोन भैया नमस्ते, आप किसी याद कर दिली है, और सब ठीक बानू, तबीयत पानी कहाँ बानी, लखनऊ में का का चलत है, ए हमरों पर ध्यान बा भैया बताई ना वो तनी। अच्छा आप जैसे पवन भैया का जो हम कन्फ्यूजन हाँ। हो जाए कि अरे पगला भाई, भैया हम काम खुद खोजा तनी, अब तू हमरे से काम मांगा तड़ा, सच्चाई भी बताते हैं भैया हम ऊ ना है, हमारा नाम रजनीश है, ए यार हम ही पागल मिल लिया क्या कि हमारा को तू बताओ तड़ा, पवन सिंह आवाजे ना क्यों पहचानी, चुतिया समझा तड़का, अब भैया तू का बोलब, हाथे हम जुड़ भैया ठीक बा आपे बढ़ रही। अच्छा ये बताइए, पवन सिंह तो एक ही है, डुप्लीकेट पवन सिंह मार्केट में बहुत आए हैं, बहुत अपने आप को साबित करना भी चाहिए, चाहे खुला मंच से भी हो या फिर किसी भी तरीके से साबित करना चाहे, लेकिन साबित नहीं हो पाया। आपका जो आवाज़ है कहीं ना कहीं हू बहू मिल रहा है, तो कहीं आपका पर्सनल पवन सिंह जी का कॉल आया आपके पास कभी कि बाबू ऐसे आवाज़ कैसे निकाल लेते हो या बहुत अच्छा है, कुछ उनके तरफ से कुछ संदेश आया? हमारो अरमान है कि हमारे गुरु के फोन आवे, ठीक ना, बट आटू झाटू के जौन फैन लोग बा यहाँ तक बोला था कि तू बात मत कर, बात करते हैं दिक्कत हो जाएगा भैया को, मगर रे यार भैया को दिक्कत होगा, आपको लगता है कि भैया हमारे बारे में जान रहे हैं, देख ले मान फोन करे के नू चाहिए, हम तो उनकर चिलवे हैं, हमारे गुरु जैसे बोले हैं कि रेंगते हो रेंगते जाओगे, तो हमको रेंगना है, वहाँ के चरनिया पकड़ के ही हम चलब, काहे कि पवन से ही है रजनीश के शुरुआत होला, आजीवन चली क्योंकि वही हमारी दुनिया है। पावर स्टार पवन सिंह का कोई आपका जो फेवरेट डायलॉग है, उनका जो फेवरेट डायलॉग है आप अपने आवाज़ में एक बार बोलिए, और दर्शक जो है कमेंट करके बताएंगे कि पवन जी से और आपका वॉइस में क्या अंतर है या फिर सेम है, आप लोग ज़रूर बताइएगा। अरे तो प्यार कह का एहसान के लिए बड़े थोड़ा सा, अरे करो ना देवी का करबे, कपार पर चढ़बे का, अरे तोरा माई के
देख बाबू खरे जा हमार, देख शरीर में हमार एलर्जी हो जाला रे, तोरा के देखी हम होकरा के देखिया सुन, नाक ले ले भाड़े भू भून लेखा, तोरा से हम प्यार करब, राजावा प्यार न करी, आ जाओ ना से राजावा प्यार करी ना रे पगली, लाखों में एक होखी, भले दुनिया उजड़ जाई पर पवनवा तोरा से प्यार न करी, तोरी माँ की ऐसी रास्ता छोड़ पहले जाए दे तो बहुत मार मारे लगब। पवन जी जब गुस्सा में होते हैं, समझिए कि कोई अभी गुस्सा में है, आप ही पवन जी हैं, अगर आपको अगर हमारे पर गुस्सा आया तो कौन सा डायलॉग बोलिएगा? क्या रे बड़का भैल बड़ा फोन नहीं उठाते हैं, इसका मतलब तुम रे ले जा रहे हो, अरे यार मगछोत बड़का, ठीक है बेटा बताते हैं, पवन सिंह नाम है, ठीक नू ज्यादा ना बोली ला सनक गिल ना, तो फिर काट रे फोन काट रे, कहाँ कहाँ से फोन आ जाला रे करीम। दिन भर में अभी आपके पास कितने लड़कियाँ का फोन आ जा रहा है, प्रपोज आ जा रहा है, या फिर कह लीजिए बात करने के लिए जो है परेशान कर दे रही है? भैया मैंने दूसर पूछ ला, इस मत पूछा ना तो फिर लिस्ट में कामर मोबाइल हैंग हो जाला, हम परेशान हो जाइला, यहाँ तक कि कौन से हम वीडियो कॉल बतिया लेता नहीं या फोन उठा लेता नहीं, वीडियो बने लगाता कहते नहीं सर वीडियो नहीं बना रहे हैं, आज सुबह है उनका फ़ोन आई है हम उठा ले ली है, सो करके उठा ली है, भाई चलिए आप वीडियो बनाइए तो हम अच्छे से रहें, तब तो बनाइए ना, सूतल वानी गंजी पहले बनी तले वीडियो बना ले हलस, अब फिर बाद में भेज दे सर आपको एक सरप्राइज भेजने में का हो, मगर देखिए तो देखा तो नहीं था वीडियो दिखाए हम आपको, नहीं वो तो समझ आएंगे। अच्छा पवन सिंह जो है इतना विवाद में क्यों रहते हैं? और वही नहीं नहीं हमारा सवाल समझिए, हम मान चुके हैं कि अभी इस वक्त आप ही पवन सिंह हैं, तो पवन सिंह जो है विवाद में क्यों रहते हैं, आप जवाब दीजिए। पवन सिंह विवाद में कभी रहते नहीं हैं, उनका आवाज ही ऐसा है कि जितने सारे कलाकार हैं सीखते हैं, कहे कि भैया के गायकी ना आवाज ही ऐसा कुछ बोले ला ना वह इंस्टाग्राम पर ट्रेंड हो जाला, कहा तो चुमा ले ली का रे। खेसारी जी को जानते हैं पवन सिंह को नहीं जानते? वो जाना था कि निखा जाना तो वो तो जानते हो क्या, लेकिन आप जानते हैं कि नहीं उनको? अरे भैया खेसारी जी से पूछे कि वो हमारे बारे में जानते हैं क्या? वो तो हरदम बोलते हैं, खुले मन से बोलते हैं कि हमारे बड़े भैया। अरे तो भैया को जानते हैं ना, हमको नहीं ना जानते हैं, जब हमको अगला नहीं जानता तो मैं उसको क्यों जानूं, जब जानेंगे तो जानेंगे हम भी। आप तो अभी पवन सिंह है ना इसके वजह से पूछे अब ये मत पूछो काहे कि इतना खुरीद देवे ला भाई कि फिर जानियो के अनजान बने के पड़ जाला है। भैया हम हाथ जोड़ ले ला का चाहत बड़ो तू, लेकिन फिर भी अगला खोद ही देता है तो अब खोदे वाला कहता ना रुकब, भाई है बड़ा भैया है, ठीक है आप सब आगे बढ़िए, आप सब तरक्की करिए छा जाइए, एक पवन सिंह ऐसा शख्स इंसान है कि हर किसी को बढ़ने के लिए बोलता है कि भैया आप तरक्की करिए आगे जाइए, कभी उनके दिल में मतभेद नहीं है कि फलनवा आ गया फलनवा चल रहा है तो दिक्कत है, नहीं इसीलिए वो दिल के राजा है, और मैं क्या हूँ सबको पता है, आई एम भस्मासुर, उनका वरदान है कि मैं जिसे बात कर लूँ या कहीं मन छो गया कहीं खड़ा हो जाए तो मजा ले कि दूसर का टिक पावे, खाली हमके हम तो बिना नशा कहले नशा में रही ल, ठीक ना। आपको अब इसी बात पे एक जैसे एक लड़की से बात कराएंगे आपको, आप अपने आवाज़ में उनसे बात करिएगा और उनको पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है कि ओरिजिनल पवन जी से बात हो रहा है या कॉपी पवन जी से बात हो रहा है, तो हम फोन लगा रहे हैं दोस्तों। हेलो हेलो हाँ आप बोल रहे हैं कि लीजिए पवन जी है यहीं पर उनसे बात कर लीजिए थोड़ा, ठीक ना की है भाई। हेलो का बोले? नमस्ते नमस्ते बताइए। हाँ सब बताइए। ठीक बात तू ठीक बड़ू नू? हाँ हम ठीक है। कहाँ से बड़ू हो? हम सीतामढ़ी से हैं। वाह करेलू का क्या? अरे मैंने करेलू का खाना उना बनाए लू नू? हाँ खाना उना बनाते हैं। खाना खेलू है? हाँ ठीक बा आप सब खूब आगे बढ़िए, गाना ना सुने लू नू? जी सुनते हैं। अच्छा लग ला ना? बिल्कुल ठीक बा चलिए ठीक है थोड़ा सा हम बैठे हैं ठीक ना ठीक, फिर आपसे बात करते हैं।
तो देखिए अब तो इनका रिएक्शन क्या है। हालांकि अभी ये जो वीडियो बना है, हालांकि जो जो बात कर रहे थे उनको भी नहीं पता था कि हम पवन जी से बात कर रहे हैं या फिर कॉपी है। हालांकि वो वीडियो जब देखेंगे तब उनको पता चलेगा कि क्या है सच्चाई, लेकिन अब वो आवाज़ पहचानेगी या नहीं पहचानेगी वो तो कमेंट में पता चल जाएगा।